नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए कितनी शानदार बात लिखी यहाँ पे, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम नेवर। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से आप मान सकते हैं जैसे आप आज किसी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम आई है और आप उसे सोचते हो या फिर जो भी काम है उसको आप ऐसा सोच के टाल देते हैं कि चलो यार बाद में कर लेंगे, तो बाद में कर लेंगे ये कभी नहीं आएगा। और एक और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर आप मान लीजिए आज आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है और उस प्रॉब्लम को आपने साइड में रख दिया, तो सिंपल सी बात है थोड़े समय बाद आपके पास एक और प्रॉब्लम या फिर बार बार आपके पास में प्रॉब्लम आते रहेगी। तो इसी प्रकार आग आप अगर उसको साइड में रखते चले जाएंगे तो आपके पास में प्रॉब्लम का भंडार रहेगा। परंतु यदि इसी के विपरीत यदि आप देखें तो हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन की नजर से देखें, उसको सॉल्व करते रहें एक एक करके, तो आपके पास में बिना किसी प्रॉब्लम के मतलब आपको जो है आसानी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके द्वारा, और आपके पास में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का भंडार भी नहीं मिलेगा और आपको एक प्रकार से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सेम आप उसी प्रकार देख सकते हैं अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश की कोई चीजें पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत उसे डिक्शनरी में ढूंढकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। परंतु यदि आप सोचते हैं कि इसको बाद में डिक्शनरी में ढूंढ लिया जाएगा तो आपके पास में बिना सॉल्यूशन वाली डिक्शनरी बनकर तैयार हो जाएगी जिसका आपको एक भी मीनिंग पता नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जब भी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए या फिर आप पढ़ते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत उसको सॉल्यूशन मतलब जो उसका सॉल्यूशन है उसको तुरंत ढूंढे और बाद में आगे बढ़े। परंतु कभी कभी हो जाता है कि मजबूरी में हमको आगे बढ़ना पड़ता है, फिर भी कोशिश करें कि जहां तक हो सके उसे सॉल्व करें तो ही आगे बढ़े, नहीं तो आगे नहीं बढ़े बिना सॉल्व करे। तो इस प्रकार से आप यदि करते रहेंगे तो आपको एक प्रकार से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी जो है प्रॉब्लम का आपके पास में भंडार भी नहीं रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ जो हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पीआईबी न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री देखेंगे, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। इन सभी टॉपिक को मिलाकर हमारा जो वीडियो है उसका नाम हो जाता है मॉर्निंग कैप्सूल। और आज है 30 जुलाई, और आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो भी आज पहली बार देख रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, और इन दोनों में आप नहीं हो तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, sarkarstudywaves.com। इसके अंतर्गत आपको मॉर्निंग कैप्सूल के जो लेक्चर है उसके साथ में आपकी पीडीएफ की लिंक वो सभी अवेलेबल हो पाएगी, तो इन सभी से आप जुड़ सकते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे क्या होने वाला है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो जैसे कि पूरे विश्व में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को, इसके बारे में हम देखें तो ये जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसके द्वारा 8 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक माना जाता है इसे, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने की यहाँ घोषणा की थी। अगर बात करें इसके अंतर्गत तो इससे पहले क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ने वर्ष 2008 में एक अभियान चलाया था, और 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 जुलाई को प्रोफेसर वारुक ब्लग इनका जन्मदिन आता है, इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की है, इसी के कारण 28 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1976 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है हमको पता है, और इस बार भी यानी कि 2018 को भी 28 जुलाई को मनाया गया। यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम परीक्षण और उपचार करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। हेपेटाइटिस से प्रत्येक वर्ष 14 लाख लोगों की मृत्यु होती है, और वर्ष 2018 के लिए विषय क्या था इसका, टेस्ट ट्रीट हेपेटाइटिस, यानी कि ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसे, इस बार का विषय जिसे हम थीम बोलते हैं प्रत्येक वर्ष का होता है, तो इस बार का ये था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मंगल की बात की जा रही है, मंगल ग्रह है, तो जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम दिख रहा है आपको, तो आप क्रमशः देख सकते हैं सबसे पहले आता है मरकरी यानी कि बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून, एक और ग्रह था प्लूटो, तो उसको बाहर कर दिया गया है सौरमंडल से, तो अभी टोटल मिलाकर कितने हैं, 8 है। तो आज हम देखने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में, तो ये फोर्थ नंबर पर आता है, जैसे आपको पता होगा पहला दूसरा और ये तीसरा, ये फोर्थ नंबर पर कौन है, मंगल है। अब ये जो है आकार के अनुसार देखें तो सातवें क्रमांक पर आता है, तो आपको बताना है सबसे पहले
कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऐसे घटते क्रम में बताना, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, इसी प्रकार लास्ट मतलब 8 तक आपको जाना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह से लेकर सबसे छोटा ग्रह है, मतलब क्रम से आपको लिखकर बताना है। मंगल ग्रह हमने देखे फोर्थ स्थान पर आता है सूर्य से, और ये आकार के मामले में सातवें क्रमांक पर है। युद्ध का देवता इसे या युद्ध का भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसके लाल रंग के कारण। अब इसका लाल रंग क्यों है, इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका लाल रंग है। अपनी धुरी पर ये, मान लो जैसे जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अनुसार यदि हम देखें तो ये जो है पृथ्वी हमारी क्या है, 24 घंटे में चक्कर लगाती है। तो ये जो है 24 घंटे 37 मिनट और 22 सेकंड में ये एक चक्कर अपना घूम जाता है अपनी धुरी पर। और इसका जो एक दिन, मतलब पृथ्वी के अनुसार देखें तो पृथ्वी का एक दिन जो है उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब 1.026 दिन के बराबर होता है। ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। तो ये देख सकते हैं आप 686.98 ये दिन में इसको पूरा करता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा एक वर्ष जो है, मतलब एक तरीके से देखें तो 2 वर्षों से भी बड़ा है जो इसका एक वर्ष होगा। हमारा तो एक वर्ष इससे आधा से भी कम होता है। तो जो मंगल ग्रह है उसका 2 वर्षों से भी अधिक का एक वर्ष होता है। मंगल पर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी है, और यहाँ सबसे बड़ा मतलब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट हमारा भारत का है। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक, मतलब ये जो है 3 गुना अधिक ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई मान सकते हैं हम यहाँ पे 24 किलोमीटर, यानी कि 7800 फीट है। आधार जो है इसका व्यास में 500 किलोमीटर से अधिक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह यानी कि चंद्रमा बोल सकते हैं हम उसके, तो फोबोस है और डिमोस है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पहली बार यहाँ भूमिगत झील की खोज की गई है। तो यहाँ जो अमेरिकी जर्नल साइंस है इसमें प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं के द्वारा मंगल पर बर्फ के नीचे स्थित झील करीब 20 किलोमीटर चौड़ी बताई गई है। यहाँ बर्फ की परत जमी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के स्विनबर्न विश्वविद्यालय में भी सहायक प्रोफेसर एलन डफी ने भी कहा है कि अनुकूल परिस्थितियों की जो संभावना है वो खुल सकती है, और यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय यहाँ माना जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात की जा रही है, यानी कि पुरस्कार की बात की जा रही है। तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, अर्थात इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। स्थापना इसकी हुई थी 1957 में, किसके उपलक्ष्य में, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे उनकी याद में इससे पुरस्कार का नाम जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया है। विजेता को जो है पुरस्कार स्वरूप एक प्रमाण पत्र, मेडल एवं नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और किन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने बिना स्वार्थ के समाज के लिए अभूतपूर्ण योगदान दिया है, यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो वर्तमान में दो जो हमारे भारतीय है, दो समाज सेवी है, उनको यहाँ पे इसकी घोषणा मतलब देने की यहाँ घोषणा की गई है। तो कौन कौन है, वो भरत वाटवानी है और सोनम बांगचुक है। ये दोनों को यहाँ पे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और प्रदान कब किया जाएगा, औपचारिक रूप से देखें तो 31 अगस्त 2018 को फिलीपींस के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे प्रदान किया जाएगा। टोटल मिला के देखें तो 6 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 भारतीय हैं, तो 6 टोटल हो गए। तो 4 और कौन कौन से हैं, तो ये जो है इंग चांग कंबोडिया के हैं, मारिया डी लोइस मार्टिन क्रूज ये पूर्वी तिमोर के हैं, हॉवर्ड डी फिलीपींस के हैं, और बीटी होइंग एंड रोम ये वियतनाम के हैं। तो टोटल हमारे 2 हो गए भारतीय और 4 ये हो गए, टोटल मिलाकर 6 लोग इसमें शामिल है। भरत वाडवानी की बात करें तो मानसिक रोग चिकित्सक है एक तरीके से, जो कि मानसिक रूप से बीमार जो बेसहारा व्यक्ति होते हैं उनके लिए काम करते हैं। और सोनम बांगचुक जो है आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल ने लद्दाखी युवकों की जो जीवन है उसमें सुधार किया है। तो दोनों का यहाँ हमने क्षेत्र देख लिया और दोनों को यहाँ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पोर्टल की बात की जा रही है, माई जीओवी मतलब माई गवर्नमेंट पोर्टल है, इसकी बात की जा रही है। तो भारत सरकार का एक पोर्टल है, इसका जो शुभारंभ किया गया था 26 जुलाई 2014 को, जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी इनके द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बटाने के माध्यम से संयुक्त रूप से यहाँ कार्य करना है। माई जीओवी जो है नागरिकों को अनेक विषय पर चर्चा एवं विचार विमर्श में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, तथा अनेक लोगों के साथ विचारों के आदान प्रदान का भी मौका प्रदान करता है। तो एक तरीके से ये क्या है, ब्रिज का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो नागरिक है इस मंच यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, इस पर कागजात, केस स्टडी, चित्र मतलब जो पिक्चर्स होती है, वीडियो होते हैं एवं अन्य जो कार्य है उनको अपलोड कर सकता है।
और वे ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा भी कर सकता, मतलब जो भी एंट्रीज होती है वो अब यहाँ जमा कर सकता है। और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की विभाग ने इस पोर्टल का जो है मैनेजमेंट किया, मतलब दोनों मिलकर इस पोर्टल का मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत जो है नीति आयोग का एक जो है अटल इनोवेशन मिशन है, तो इसे हम शॉर्ट मतलब यहाँ बोल सकते हैं AIM बोल सकते हैं, और हिंदी में बोले तो अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहल इसे माना जाता है। ये जो है अटल नवाचार मिशन, इसके तहत एक ऐसे सहयोगात्मक परितंत्र की कल्पना की गई है जिसके तहत जो विद्यार्थी होते हैं यानी कि छात्र होते हैं, टीचर्स होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, औद्योगिक साझेदार आपस में सहयोग कर जो नवाचार है उसको सुविधाजनक बनाएंगे। वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो आज के बच्चे हैं उसमें उद्यमिता यानी कि जो बिजनेस करने की सोच होती है, उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देंगे और आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक योगदान करेंगे। अब ये दोनों जो है मतलब एक तरीके से अटल इनोवेशन मिशन और माई जीओवी, इन दोनों की संयुक्त प्रयास से यहाँ पे इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म यहाँ लॉन्च किया गया है। और अटल नवाचार मिशन के निदेशक आर रमणन और माई जीओवी की जो सीईओ है अरविंद गुप्ता, इन दोनों ने जो है इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है। जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के केंद्र नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माई जीओवी के बीच में एक प्रकार से गठबंधन है। इनोवेट इंडिया, माई जीओवी और AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी एवं गहन तकनीक वाले जो अन्वेषक दोनों को ही पंजीकृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक नवाचार प्लेटफॉर्म का सृजन करता है। यह प्लेटफॉर्म एक तरीके से सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है यानी कि ओपन है। और नागरिक जो है यहाँ आप देख सकते हैं URL दिया है https://innovate.mygov.in/innovateindia, इसके जरिए जो प्लेटफॉर्म पर यहाँ सभी पहुंच सकते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट है मतलब अपने जो भी दस्तावेज है उसे वो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ब्रिक्स की बात की जा रही है, तो ब्रिक्स जो है पांच उभरती मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं अभी अभी इसका जो है शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। तो पहले देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसे कि देखें हम तो यहाँ पांच कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर देखें तो ब्रिक्स जो है बी जो है ब्राजील को दर्शाता है, आर रशिया को दर्शाता है, आई इंडिया को दर्शाता है, सी चाइना को और एस साउथ अफ्रीका को। तो पहले तो जो ये था क्या था, ओनली ब्रिक था मतलब चार कंट्री थी, परंतु 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को यहाँ ऐड कर लिया गया, इस प्रकार मिलाकर यहाँ पांच कंट्री हो गई जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स बोलते हैं। जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन, इनके नेताओं की एक बैठक हुई और एक ग्रुप बनाने की यहाँ प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन यहाँ रूस के येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 इनको इसको आयोजित किया गया। और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है अपने सदस्य देशों की सहायता करना है। ये देश जो है एक दूसरे के विकास के लिए वित्तीय, तकनीक और जो व्यापार है उसके क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ब्रिक्स का अपना खुद का बैंक है जिसे हम क्या बोलते हैं, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम नवीन विकास बैंक भी बोल सकते हैं। और इसका जो कार्य होता है, सदस्य देश होते हैं और अन्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है NDB का। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पांचों कंट्री है, पांचों कंट्री के हमारे मोदी जी नजर आ रहे हैं आपको, तो ये जो है भारत के हो गए और अन्य जो चार कंट्री उनके अध्यक्ष हो गए एक तरीके से। यहाँ जो है इस बार का 10वां संस्करण था, मतलब 10वां संस्करण था जो जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 3 दिवसीय यानी कि 28 जुलाई तक ये चला, 3 दिनों का था। और सभी ब्रिक्स नेता इसमें शामिल थे। भारत के हमारे प्रधानमंत्री अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके 3 देशों की यात्रा पर गए थे। कौन कौन से, एक तो युगांडा हो गया, एक रवांडा हो गया, और मतलब सबसे पहले वो रवांडा गए थे, दूसरे नंबर पे युगांडा गए और थर्ड नंबर पर अफ्रीका गए। वहां पे यात्रा के दौरान इन्होंने इसमें भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था बहुत लंबा है, हालांकि फिर भी एक बार हम दिमाग में रख सकते हैं, रटना नहीं है। तो यहाँ जो इसका विषय था, ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब मुख्य रूप से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर इसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किसने की, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे जो आतंकवाद है, मुख्य रूप से आतंकवाद के जो मुद्दे हैं इन पर यहाँ जो मुद्दा है उठाया गया और सभी राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। इनके द्वारा बोला गया कि उनकी जो है धरती से कोई भी आतंकी गतिविधि ना होने पाए।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसका मुख्य मुद्दा क्या था या मुख्य विषय क्या था? तो आतंकवाद, क्या आतंकवाद को उखाड़ना या फिर आतंकवाद को पनपने ना देना इसका मुख्य मुद्दा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। इसके अलावा यहाँ देखें तो सहयोगी ब्रिक्स नेता है उन उनके साथ मोदी ने जो है विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे कि प्रौद्योगिकी के महत्व यानी कि टेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस होता है, फिर देखें कौशल विकास और जो प्रभाव है मतलब प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग पर एक बेहतर दुनिया बनाने का अपना विचार शेयर किया है। इस दौरान मोदी जी नरेंद्र मोदी जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आपको पता ही होगा यहाँ पे ब्राजील, ये रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा, इनसे भी यहाँ मिले। घोषणा पत्र में क्या कहा गया, यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसका कट्टरपंथ से निपटना, आतंकवादियों के वित्त पोषण के माध्यमों को अवरुद्ध करना, आतंकी शिविरों को तबाह करना, आतंकी संगठनों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना, ये सभी मुख्य रूप से घोषणा पत्र में यहाँ शामिल है ब्रिक्स के। ब्रिक्स देशों ने कहा कि हम मानते हैं जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है उसमें संघर्ष, लंबे समय से संघर्ष समाप्त किए जाने के यहाँ संकल्प में देरी के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IMF, इसके आंकड़ों के अनुसार हम देखें यहाँ पर 10 वर्षों में इन देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास में 50% भागीदारी निभाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स से, और जो शिखर सम्मेलन हुआ है उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, ये है शाह आलम सेकेंड। तो जैसे कि बात करें तो इसका जो है आलम शाह सेकेंड या फिर शाह आलम सेकेंड भी इसे बोल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं मुगल बादशाह के बारे में, तो हमने देखे थे कहाँ तक, जो मोहम्मद शाह रंगीला के तक देखे थे। उसके बाद जो है नॉर्मल ऐसे बादशाह आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, तो आलमगीर द्वितीय भी आया था। तो आलमगीर द्वितीय के जो पुत्र था आलम शाह, शाह आलम सेकंड था। तो इसका जो जन्म हुआ था, शासनकाल की बात करें यहाँ पे, तो 1759 से 1806 तक इसका शासनकाल रहा। जन्म इसका था 25 जून 1728 को शाहजहानाबाद, और मृत्यु इसकी हुई है 19 नवंबर 1806 को, और ये 17वां मुगल बादशाह था। इसका असली नाम हम देखें तो अली गौहर था, और आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र भी था। 1759 में यह गद्दी पर बैठा। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि भी की थी जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के अनुसार क्या था, ये जो इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन मतलब पेंशन लेकर यह आराम से बैठने वाला मतलब जीवन यापन कर रहा था। आराम जो आलम शाह था द्वितीय, उसके गद्दी पर बैठने के 2 साल पहले पता है आपको 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी विजय हो चुकी थी मतलब इनकी पराजय हो चुकी थी। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, जो बंगाल बिहार और उड़ीसा था तीनों की दीवानी का अधिकार इनको मिल गया था, और उसके बदले में यहाँ पर इसको कुछ जो है खर्च दिया जाता था इसको। तो शाह आलम द्वितीय जो है इसने तख्त के लिए अब्दाली को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा। तो उसी समय क्या हुआ, इन्होंने जो शाह आलम द्वितीय था उसने मराठों को अपना संरक्षक बना लिया। परंतु 1761 में आपको पता है पानीपत का थर्ड जो युद्ध हुआ था मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पानीपत का फर्स्ट और सेकेंड जो युद्ध लड़ा गया था वो कब कब लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब्दाली ने इनको भी पराजित कर लिया, और परंतु यहाँ शाह आलम द्वितीय को ने दिल्ली के तख्त से हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर हटा देता तो सिंपल सी बात है दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता तो पूरे भारत की जो जनता है इन पर विद्रोह कर देती ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने एक नाम मात्र का, अपन हमने देखे थे जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का होता है, उसी प्रकार इसको भी उन्होंने नाम मात्र का बना दिया। और पीछे पावर किसका रहता है, प्रधानमंत्री का, उसी प्रकार पीछे पावर इनका था, मतलब ये जैसा बोलते थे वैसा ये जो है बादशाह के द्वारा किया जाता था, और नाम मात्र का इसको दिल्ली के तख्त पर बने रहने दिया। अगर बात करें यहाँ पे 1764 की, तो जो शाह आलम द्वितीय था उसने दूसरा प्रयास अपनी शक्ति बढ़ाने का क्या किया, जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और जो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इन दोनों से संधि कर ली, और तीनों मिलकर यहाँ पे बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ, 1764 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मतलब ब्रिटिश के अंतर्गत जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इनको पराजित किया, और इलाहाबाद की संधि इनके द्वारा कर ली गई। और संधि में क्या था, जो बादशाह था यानी कि शाह आलम द्वितीय था उसको कड़ा और इलाहाबाद जो थे अवध से मिल गए,
और यहाँ पे बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इसके बदले में 26 लाख रुपए सालाना जो पेंशन है मतलब उसके बदले में देने का यहाँ वादा किया, परंतु थोड़े समय तक ही इसको दिया गया। बाद में क्या हुआ, पेंशन के रूप में जीवन यापन करते समय जो 1806 में इसकी मृत्यु हो गई शाह आलम द्वितीय की। नेक्स्ट बात करते हैं मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री, तो आज हम देखने वाले हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया आपको पता है ये हमारा प्यारा भारत हुआ यहाँ पे, और यहाँ से हम चले तो ये आपको सऊदी अरेबिया यहाँ नजर आ रहा है। इसके बारे में हम देखें यहाँ मैप बड़ा करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। तो जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं हम नीचे कतर, ये यूएई, ओमान, यमन और रेड सी हो गया यहाँ पे, फारस की खाड़ी, नीचे अरेबियन सी हो गया इन दोनों के पास में, और यहाँ पे समुद्र के साइड में इजिप्ट हो गया। तो ये सभी से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, और यहाँ इसके बारे में देखें तो एक प्रकार से सुन्नी मुस्लिम देश है, और यहाँ इस्लामी राजतंत्र है। इसकी स्थापना देखें तो 1750 के आसपास की गई थी, और यहाँ की धरती जो है रेतीली, जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय मरुस्थल है, और यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पे तो जो यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर साहब, इनका जन्म भी यही हुआ था, और यहाँ दो पवित्र स्थान है कौन कौन से, मक्का और मदीना है। यहाँ की राजधानी क्या है, रियाद है, राजभाषा यहाँ की अरबी है, और रियाल यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जो था, हाल ही में किस राज्य में यहूदियों जो यहूदी धर्म होते हैं उनको धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा यहाँ प्रदान किया गया है। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो कहाँ गए थे, एक तरीके से इज़राइल गए थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो यहूदी यहाँ रहते हैं गुजरात के अंतर्गत उनको धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे गुजरात के अंतर्गत ये काम किया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, गुजरात हुआ। यहाँ पे जो यहूदी धर्म है इसराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म माना जाता है, इसका पवित्र ग्रंथ माने हम तो तनख बाइबल है, और गुजरात सरकार के द्वारा राज्य में यहूदी धर्म को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया, ये हमने देखे हैं। इस फैसले के बाद यहूदी समुदाय के लोगों को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तैयार की गई जो कल्याणकारी योजनाएं होती है उन सभी का लाभ यहाँ मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राजस्थान सरकारी कॉलेजों के छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है कौन है, बिल गेट्स है। इसके अलावा हम देखें इसमें तो इस समझौते में जो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें 4 महीने में राज्य के 50 कॉलेजों के कुल 9,500 छात्र और 500 संकाय जो सदस्य उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा इसका, क्षमता निर्माण, राजस्थान में डिजिटल साक्षरता के मानकों को सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किसके द्वारा द ईट राइट मूवमेंट नामक एक कार्यक्रम अनावरण किया गया, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो नागरिक होते हैं मतलब जो सिटीजन होते हैं उनको सही भोजन विकल्प उपलब्ध कराकर उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु सक्षम बनाना है। तो ये काम किया गया है FSSAI के द्वारा, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया गया है। इसके बारे में हम देखें यहाँ पे तो इस कार्यक्रम में जो है स्वस्थ भोजन और ईट सेफ नामक दो व्यापक स्तंभों के आधार पर यह बनाया गया है, और इसका लक्ष्य जो है 3 वर्षों में 30% नमक, चीनी और तेल की खपत को कम करना है, मतलब उसमें कटौती करना है। और FSSAI है जो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंतर्गत है, 1 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन इसके कौन है, आशीष बहुगुणा है। इसका संचालन जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सहयोगी देशों ने रक्षा पर जो है राष्ट्रीय बजट का 2% खर्च करने का निर्णय लिया, परंतु जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा कहा गया है कि रक्षा जो है यहाँ पे इसको बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ाया जाए ये आपको राइट आंसर यहाँ सेलेक्ट करना है चारों में से। फिर देखें अब जो है मानसून सत्र में राज्यसभा में संसद सदस्य भारत के संविधान जो 8th शेड्यूल है यानी कि 8वीं अनुसूची है, इसमें उल्लेखित जो 22 भाषा है उसमें किसी भी एक भाषा का मतलब किसी भी भाषा में यह बात कर सकते हैं। तो राज्यसभा की यहाँ बताना आपको वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। फिर देखते हैं यहाँ निम्न में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन 2018 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपसे ना भी बने तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं,
उसके बाद आप क्या करोगे, उनको कमेंट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने सर्च कर लिए तो आपको दोबारा से कम प्रॉब्लम जाएगी, ऐसा अब ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको वो सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। तो इसलिए प्रयास जरूर करना है कमेंट करने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं और डिसलाइक कर दोगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कमेंट जरूर करना है, कमेंट करने में मतलब जो है लापरवाही नहीं बरतना है। अगर पसंद आए तो भी कमेंट कर दिया करो, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कर दिया करो। उससे क्या हो, हमको पता चलते रहेगा कि लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कर दिया करो। अगर आप शेयर करोगे तो सबका फायदा होता चलेगा और आपके ही प्रयास से ये काम हो सकता है। मेरे द्वारा इतना प्रयास किया जा रहा है, अब थोड़ा प्रयास आपके द्वारा भी किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंच पाएगा। सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, जिससे क्या हो बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। अगर आपके काम की इन्फॉर्मेशन लगी तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं तो बिल्कुल भी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।